छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के दिग्विजय कॉलेज में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह शामिल हुए। वहीं आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कॉलेज के छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किया। पुरस्कार वितरण के दौरान पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में दिग्विजय कॉलेज 2047 के विजन को सफलतापूर्वक पूरा करेगा। इसके साथ ही राजनांदगांव जिले में पत्रकारिता समेत अन्य कोर्स खोले जाएंगे और प्रोफेसर का इंतजाम किया जाएगा। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव में आज इनका वार्षिकोत्सव और हम सबका सौभाग्य रहा कि इस ऐतिहासिक और ऊर्जावान कॉलेज की ऊर्जा का एक अनुभव लेने का अवसर मिला। उम्मीद करता हूं कि पूरे प्रदेश में सबसे बड़े महाविद्यालयों में से एक दिग्विजय कॉलेज पुनः आदरणीय विष्णुदेव साय जी के सरकार के नेतृत्व में और हमारे विधायक आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में पुनः इस महाविद्यालय को 2047 के विजन के साथ विकसित करने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरुआत होगी। एक ऐसा महाविद्यालय जो 6,500 बच्चों को रेगुलर और लगभग 12,000 बच्चों को प्राइवेट उसमें शिक्षा दे रहा है, अपार संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को मूर्त रूप देने की कोशिश हम सब मिलकर करेंगे।